व्यर्थ में जा रहे हैं आप। आज मैं ही नहीं, सभी जीव जंतु भी व्रत रखते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? पशु पक्षी जीव जंतु किसी भगवान को नहीं मानते। इतनी मूर्खता की बात मत करो। ये मूर्खता नहीं, सकते हैं। आज कोई आखेट नहीं मिलेगा आपको, खाली हाथ लौटोगे। अच्छा, तुम मुझे चुनौती दे रही हो। शिव की इच्छा के अनुसार एक चींटी को भी कोई कुछ नहीं कर सकता, और यदि शिव की इच्छा हो तो वो किसी को भी अपनी तीसरी नेत्र की अग्नि से भस्म कर सकते हैं। आज तो इच्छा अनिच्छा मेरी चलेगी। कोई भी जीव जंतु कितना भी व्रत कर ले, लेकिन मुझ जैसे महान अकेटक से बचना उसका असंभव है। आज तो तुम्हारे भगवान की इच्छा के विरुद्ध दुगना अखेट करूंगा मैं, और फिर तुम्हें अपना व्रत छोड़कर मेरे साथ उनका भोजन करना होगा। और यदि तुम्हारा भगवान है भी तो भी मैं उस पर विजय पाऊंगा, और यदि ऐसा ना कर सका तो कभी लौटकर तुम्हें अपना मुख नहीं दिखलाऊंगा। हे प्रभु, ये किस यात्रा के लिए मैंने प्रेरित कर दिया उन्हें? हे प्रभु शिव शंकर, उनकी रक्षा कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए। शिव 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 शिव, सदा शिव का नाम जपती है ये नीला। ये कैसा भगवान है उसका, जिनके कारण आज पहली बार हम दोनों में मतभेद हुआ? अब इस सबका अंत मैं ही करूंगा, और फिर सबको ज्ञात होगा कि नीला कैसी भूल कर रही है। और जब तक मैं आखेट नहीं करता, मैं लौटूंगा ही नहीं। ये कैसा दिन है आज, एक भी आखेट नहीं दिखाई दे रहा। ये सभी जीवा चले कहां गए? ये तो वैसा ही मृग है जो मेरे स्वप्न में आया था, वैसे ही सींग, वैसा ही भरा पूरा शरीर। अब नीला तैयार हो जाओ, भक्ति में अपनी सुध-बुध खोए हो, अब तुम अपना व्रत भूल कर खोज के लिए तैयार हो जाओ। नीला ने तो कहा था कि सभी पशु व्रत रख रहे हैं, किंतु ये मृग तो बेलपत्रों के रूप में अपने भोजन की व्यवस्था कर रहा है। मेरे जैसे कुशल धनुर्धर का लक्ष्य तो कभी नहीं चूकता, फिर आज ये कैसे हो गया? तुम्हें तो आज मैं कदापि नहीं जाने दूंगा। ना बहुत हटी है, सबने कितने प्रयास किए किंतु हट में आकर उन्होंने कभी आपकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया, और आज भी वो आखेट करने के हट में निकल गए। मुझे भय है कहीं वो स्वयं को आहत ना कर दे। हे प्रभु, उनकी रक्षा कीजिए।
फिर सारे प्रयास विफल कैसे हो रहे हैं? अब कहाँ उड़ोगे तुम? हो गया आंखें। यह अचानक वायु प्रवाह कैसे उत्पन्न हुआ? मेरा अंगवस्त्र! मैं तो सदा से व्रत करती रही हूँ, भूखी रह सकती हूँ, किंतु वो एक दिन भी भोजन के बिना नहीं रह सकते। प्रभु, आप ही जगत माता है, आप ही जगत पिता है, उन्हें भोजन के लिए कुछ प्राप्त होने दे प्रभु, नहीं तो वो वहीं वन में रह जाएंगे, कभी लौटेंगे नहीं। प्रभु कुछ कीजिए। हाँ हाँ, तुम भी नीला के भगवान के पास चले जाओ, उस भगवान के पास जो अपने भक्तों को भूखा देखना चाहता है। प्रभु, अब तो आपका ही आसरा है, उनकी रक्षा कीजिए। प्रिय, आप जगत माता हैं, अन्नपूर्णा है, तो आप अपने भूखे पुत्र को कुछ ना देंगी? आप स्वयं जाएंगे प्रभु, उसके पास जिसके मन में आपके प्रति भक्ति का कोई भाव नहीं। ऐसा क्या किया था पूर्व जन्म में अर्जुन ने जिसके कारण वो इस जन्म में नास्तिक है? और ऐसा क्या किया है उसने जिसके कारण वो आपकी कृपा का पात्र बन रहा है? पूर्व जन्म में अहंकार ने उसका आखेट किया था। महाभारत के युद्ध में विजय का संपूर्ण श्रेय उसने स्वयं को दिया। अहंकार के मद में ये भूल गया कि प्रभु श्री कृष्ण पग पग पर उसके साथ थे। उसके इस अहंकार का साया उसकी आत्मा पर पड़ा, परिणाम स्वरूप इस जन्म में उसे नास्तिक होने का अभिशाप मिला और मैंने उसे मोक्ष का वरदान दिया था, किंतु वो उसे तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक उसके भीतर समाये अहंकार का विकार का अंत नहीं होगा। किंतु प्रभु, आप उसमें परिवर्तन लाएंगे कैसे? उसका व्यवहार तो देखिए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरा स्पर्श किया है उसने, तो अब तो समय आ गया है। स्पर्श किया है प्रभु, किंतु अपने चरणों से। वन में किसी भी चौपाय के समान वो भी तो एक जीव ही है। चारों हाथों पांव में से दो से मेरा स्पर्श किया है। प्रिय, जिनकी अनास्था में दृढ़ता होती है वो जब परिवर्तित होते हैं तो आस्था में भी उतने ही दृढ़ होते हैं, किंतु उसके लिए स्वयं भगवान को जाकर उस पर कृपा करनी होती है और उसे एक अनुभव प्रदान करना होता है।
नीला, राष्ट्रकृतं पापम् राज्ञः पापं पुरोहित कर्ता च स्त्रीकृतं पापम्। कौन हो तुम? मैं यही निकट से। अच्छा, जो भी हो, किसी ने तुम्हें नाम तो दिया होगा। एक नहीं, अनेकों नाम है मेरे। किसी ने प्रेम से तो किसी ने घृणा से कई नाम दिए हैं। अनेक नहीं, बस एक ही नाम पूछा है मैंने। तो तुम मुझे शिवाय बुला सकते हो। फिर से शिव का नाम? ये नाम तो जैसे मेरे पीछे ही पड़ गया है। अच्छा ये बताओ कि यहाँ क्यों आए हो, मुझे मेरी निद्रा से क्यों जगाया? इतने चिड़चिड़े क्यों हो रहे हो? कदाचित भूखे हो, आओ मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। सहायता करोगे मेरी अखेट करने में अपने वृद्ध हाथों में थामी हुई इस लाठी से? मैं तो भोजन की बात कर रहा था। भोजन की बात तो कदापि मत करना। क्यों? क्यों नहीं? तुम भी भक्त जैसे दिखते हो, तो तुम्हें ज्ञात नहीं कि आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि के पर्व पर व्रत रखा जाता है। कितनी मूर्खता की बात है, पर्व भी बुलाते हो और जन्मदिन पर भूखे भी रहते हो। हाँ मैं भी यही मानता हूँ, जन्मदिन पर तो भांति भांति के पकवान बनने चाहिए, भोज होना चाहिए। सर्वथा उचित कहा तुमने। अपनी पत्नी नीला को समझाते समझाते मैं तो थक गया। अब पता नहीं उसके शिव ने उसको क्या कहा, वहां वो भूखी बैठी है और यहाँ हमें कोई आखेट नहीं मिल रहा है। हमें तो अपार कष्ट में डाल दिया है तुम्हारे इस शिव ने। तो तुम ये मानते हो कि तुम्हारे कष्ट का कारण शिव ही है? हाँ हाँ, और कौन? तो तुम भी अपनी पत्नी के समान ये मानते हो कि शिव है? नहीं, नहीं मानता मैं। जो ना होकर के भी इतना कष्ट दे रहे हैं, वास्तव में होते तो कितना कष्ट देते। किंतु जो है ही नहीं, वो तुम्हारी इस अवस्था का उत्तरदायी कैसे हो सकता है? किंतु मेरा तो सबसे बड़ा कष्ट ये है कि मेरी पत्नी मानती है कि शिव है। अच्छा, जब तक तुम्हारी पत्नी शिव को मानेगी तो तुम्हारे जीवन में भी शिव का हस्तक्षेप रहेगा। हाँ उचित कहा तुमने। तो अनिच्छा से तुम्हें भी व्रत रखना होगा, जबकि होना तो भोज चाहिए। तुम बिल्कुल उचित कह रहे हो, किंतु ये सत्य तुम्हें मेरी पत्नी को जाकर के समझाना होगा। अब शिव के नाम पर किसी धर्म कर्म को मानने वाले से सुनेगी तो कदाचित वो समझ जाएगी, अन्यथा उसे तो ये भ्रम है कि उसके प्रभु है, उसके प्रभु के तीन नेत्र है और वो अपने तीसरे नेत्र से किसी को भी भस्म कर सकते हैं। अब तुम ये बताओ, किसी का तीसरा नेत्र हो सकता है क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे तो पूर्ण विश्वास है तीसरे नेत्र के अस्तित्व पर। लो, अब तुमने भी वही राग अलापना आरंभ कर दिया। इसमें इतनी अचरज की क्या बात है, तीसरा नेत्र तो हम सभी का होता है, एक ज्योति के समान, जो किसी के लिए जागृत होता है और किसी के लिए नहीं। जब तुम अपनी त्रुटियां और दूसरे तुम्हारी विशेषताएं समझने लगे, और जब तुम अपनी त्रुटियों को समझकर दूसरों की महानता को स्वीकार कर लोगे, और जब तुम दृष्टि से परे जो भी है उसे देखने लगोगे, तो तुम्हारा भी तीसरा नेत्र जागृत हो जाएगा और उसके बाद तुम्हें वो दिखाई देगा जो तुमसे आज तक छिपा हुआ था। बस इतना ही समझ लो। उचित है, मैंने तो इतना समझ लिया, किंतु कोई उसे भी तो समझाए। इसीलिए आप मेरी पत्नी के पास जाओ और उसे कुछ ज्ञान दीजिए। आप जैसे किसी से वो ज्ञान सहर स्वीकार करेगी। अब मुझे विश्राम करना है। ये तो अच्छा है कि शिवरात्रि के वर पर व्रत रखा जाता है, जागरण नहीं। संध्या हो गई, वो अभी तक लौटे नहीं। मैं कबीले में होती तो पिताजी अब तक बहुतों को भेज चुके होते उन्हें ढूंढने के लिए, किंतु मैं तो यहाँ अकेली हूँ।
मैं किसे भेजूं? बस आप ही मेरा आसरा है, उनकी रक्षा कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए। देवी नीला, कौन है स्वामी जी? मैं कौन हूँ ये कैसे बताऊं? कोई अपना समझ लो या कोई शुभचिंतक, नाम तो अनेक है मेरे, किंतु देवी नीला तुम मुझे शंभैया पुकार सकती हो। हे शंभैया स्वामी, आप मुझे और मेरे नाम को कैसे जानते हैं? कैसे ना जानूंगा, मैं तो यहाँ सबको जानता हूँ, तुम्हें भी और तुम्हारे पति थिन्ना को भी जो तुमसे रूठा हुआ है। तो क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? हाँ हाँ, उसी से भेंट करके आ रहा हूं। लो ये लो, उसी ने भेजा है मुझे यहां पर, बहुत हठी है वो। तो क्या आप उन्हें बहुत वर्षों से जानते हैं? वर्षों से? मुझे तो लगता है कि मैं उसे अनेकों जन्मों से जानता हूँ। मैं तो उन्हें इसी जन्म से जानती हूँ, ना वो भूखे रह सकते हैं और ना उन्हें धर्म कर्म में कोई रुचि है। इसलिए यदि भूखे पेट उन्होंने आपसे कुछ अनुचित कहा हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। यदि तुम्हें ज्ञात है कि वो भूखा नहीं रह सकता और तुम्हारे बिना भोजन भी नहीं कर सकता, तो तुम्हें भोजन करना चाहिए था। विवाह में तो दो लोगों के जीवन जुड़ते हैं, इसलिए संबंध में कुछ बातें एक की मानी जाती हैं और कुछ दूसरे की। भक्ति तो मन में होती है और उसके प्रकट होने के अनेकों प्रकार होते हैं और हर भक्त उसका चुनाव अपने अनुसार करता है। इसलिए भक्ति में यदि एक व्रत रखे और दूसरा नहीं, तो भी दोनों की भक्ति अपने अपने स्थान पर स्थिर रहती है, उनमें कोई खोट नहीं आती। एक निर्जन स्थान पर स्थित एक शिवलिंग के पास पड़े रहकर एक प्रकार से उसने भी व्रत तो कर ही लिया है, इसलिए तुम्हारी जैसी पतिव्रता के लिए अपने व्रत को पूर्ण करने का समय आ गया है पुत्री। जो भी स्पोटली में है उसे पकाकर अपने पति तक ले जाओ। किंतु उससे पहले आप तो कुछ ग्रहण कीजिए। पुत्री, तुम ज्ञात अज्ञात प्रकार से मेरी बहुत सेवा कर चुकी हो, आप जाओ उस हड्डी की सेवा करो तो मैं भी तृप्त हो जाऊंगा। धन्यवाद स्वामी जी। वो भोर से भूखे होंगे, मैं शीघ्र कुछ पकाकर उन तक ले जाती हूँ। देखो अब तो मैं आ गई। हटो। सदा के समान आप मुझे देखेंगे तो आपका क्रोध शांत हो जाएगा। आप ऐसे ही रूठे रहेंगे इसलिए ऐसे उन्हें देख रहे हैं। अब तो आपकी इच्छा पूर्ण हो गई, फिर क्यों रूठे हैं आप? मैंने तो कहा था कि आपको भोजन के लिए कुछ प्राप्त नहीं होगा, किंतु आप ही उचित थे। आपने भोजन की व्यवस्था भी कर ली और उन वृद्ध स्वामी के हाथों मुझ तक भोजन की वस्तु भी भेज दी। मैंने भेजा? मैंने तो किसी को नहीं भेजा। मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझसे असत्य नहीं कह सकते। दूर रहकर भी
आपके चरणों चिन्ह को पहचान सकती हूँ। ये तो फिर भी आपके अंग वस्त्र हैं। मेरा अंग वस्त्र तो उड़कर मंदिर में गया था। आप सत्य कहिए, आप ही ने भेजा था ना इसे शंभैया के साथ? शंभैया? शिवाय। पर उन्होंने तो कहा था कि वो आपको बहुत दिनों से जानते हैं, और आप तो उनका नाम भी भूल गए। शंभैया है वो। मैं तो आज पहली बार मिला शिवाय से। वो वहां से आए होंगे जहां पर मेरा अंग वस्त्र उड़कर चला गया था। मैं कुछ समझी नहीं। अवश्य कोई ढोंगी होगा वो, जो मेरे अंग वस्त्र लेकर के यहां वहां घूमता रहा। नहीं स्वामी, ढोंगी नहीं, स्वयं शिव थे। अवश्य कोई ढोंगी होगा वो, जो मेरे अंग वस्त्र लेकर के यहां वहां घूमता रहा। नहीं स्वामी, ढोंगी नहीं, स्वयं शिव थे। उन्होंने कहा। मैं कौन हूं ये कैसे बताऊं? कोई अपना समझ लो या कोई सुख तंत्र। तो फिर मैंने तब क्यों नहीं माना कि वो ही मेरे भोलेनाथ है? उन्होंने कहा पूर्व जन्मों का परिचय है। मेरे प्रभु, मेरे शिव शंभु यहाँ आए थे, आप यहाँ आए और मैं आपको पहचान ना सकी। शांत हो जाओ नीना, शांत हो जाओ। ये सब मत सोचो, वो तो केवल एक मंदिर का पुजारी था। अब शिवाय हो या शंभैया, उससे क्या? वो मेरे प्रभु थे, मेरे शिव शंकर थे, मेरे भोलेनाथ थे, और उन्होंने नहीं पहचाना। इतने दिव्य थे, ऐसी अनूठी आभा थी उनकी, ऐसी चमक देखकर भी मैं चूक कैसे गई? पहचान क्यों ना सके मैं अपने प्रभु को? नहीं, वो शिव नहीं हो सकते, कदापि नहीं हो सकते। देखो कितना कष्ट दिया है तुम्हें। वो मेरे शिव, मेरे शिव। बस बहुत हुआ। हमने तुमसे कहा था नीला, जब तक तुम्हारे भगवान हमारे मध्य नहीं आते हम तुम्हारी भक्ति सहन कर लेंगे। किंतु आज दूसरी बार उन्होंने हम दोनों में भेद उत्पन्न किया है। आज हम इस भगवान को हमारे बीच में से सदा के लिए हटा देंगे। तुम बस प्रार्थना करो, वो आकर रोक सके तो रोक ले मुझे। ये तो कभी भी मंदिर में प्रवेश नहीं करता था, और ये इतने क्रोध में क्यों आया है यहां?
रुको, मैं कहता हूं रुक जाओ। पूजा करने नहीं अपितु प्रभु को यहाँ से हटाने के लिए आया है। अब जब उसने स्पर्श कर मेरे काल हस्ती लिंग को अपनी भुजाओं में भर लिया है तो मुझे उसे शांत करना चाहिए। अब उसके इस कर्म से उसके पिछले जन्म का दोष मिट गया। अंततः तुम आ ही गए पुत्र। मैंने कहा था ना, जब तुम अपनी त्रुटियां और दूसरे तुम्हारी विशेषताएं समझने लगे और जब तुम दृष्टि से परे जो भी है उसे देखने लगोगे तो तुम्हारा भी तीसरा नेत्र जागृत हो जाएगा। तुम्हें वो दृश्य दिखाई देगा जो किसी ने न देखा होगा। शिव, महादेव। हाँ भय प्रभु, वास्तव में है प्रभु। वास्तव में है प्रभु, आप सर्वत्र हैं, सर्वत्र हैं। मेरे नेत्र खोलकर मुझे दर्शन देकर प्रभु आपने बहुत बड़ी कृपा की है मुझ पर। मुझे मेरी भूल समझा दी प्रभु, मुझे क्षमा कर दे प्रभु। इतने वर्षों तक मैं आपका अपमान करता रहा प्रभु, ना आपको माना ना उनकी एक सुनी जिन्होंने आपको मानने के लिए कहा प्रभु। उन देवता तुल्य पिता को भी नहीं जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया, मुझे निवास दिया, परिवार दिया प्रभु। अपनी पत्नी की एक ना सुनी प्रभु, जिसने सर्वस्व अपना जीवन त्याग दिया मेरे लिए प्रभु। मैं ये मूर्खता करता रहा प्रभु, मुझे सभा कर दे मुझे प्रभु। किंतु मैं अब अपनी सभी भूलें सुधार लूंगा प्रभु, सभी भूलें सुधार लूंगा।
स्वामी, हम जगत के स्वामी के सामने झुके, मेरा जीवन सफल हो गया। नीला की सच्ची भक्ति थिन्ना को उचित मार्ग पर ले आई। उस दिन थिन्ना भी इस सत्य से अवगत हो गया कि जो कुछ भी होता है वो प्रभु कृपा से ही होता है। व्रत आरंभ करने के लिए जल में तिल डालकर भोर में ही उस जल से स्नान करना चाहिए। फिर गणेश और गौरी शंकर को साक्षी मानकर रक्षा धागे को उनके चारों ओर गांठ बांधकर अपनी इच्छा व्यक्त करनी होगी। हे विघ्नहर्ता, मैं अपने 16 सोमवार व्रत का आरंभ कर रही हूँ। मुझे आशीष दीजिए, मैं इसे निर्विघ्न पूर्ण कर सकूं। हे गणेश गौरी शंकर, मेरी एक ही इच्छा है, मुझे भी वैसा ही परिवार मिले जैसा आपका है। ओम गण गणपते नमः। ये तो नीला के साथ का ही परिणाम था जो थिन्ना को प्रभु के दर्शन मिले। उनकी इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि उचित जीवन साथी का साथ मिलने से जीवन में हमेशा सकारात्मक परिवर्तन ही आते हैं। शेष सभी तो पूर्ण हो गया, किंतु महादेव की कथा मैं किससे सुनूं? पति पत्नी के संबंध में परस्पर त्याग की जो भावना होती है, उसी से दोनों के जीवन में सुख समृद्धि आती है और दोनों मिलकर एक दूसरे के जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करते हैं। किंतु गणेश, थिन्ना के रूप में अर्जुन का मुख्य उद्देश्य तो मोक्ष प्राप्ति का था और अभी तो उसे मात्र प्रभु के दर्शन ही प्राप्त हुए थे। उचित अब हम क्या करें? आपने तो कहा था अंतिम आहुति हमारी होनी चाहिए। यज्ञ तो समापन की ओर है और हम इस सुरक्षा कवच के भीतर नहीं जा सकते। शांत हो जाओ, मुझे बस बताओ कि मुझे क्या करना है। ये सुरक्षा कवच असुरों के लिए है, किंतु किसी निर्दोष निरीह पशु के लिए नहीं। तो हम नहीं, किंतु ये आज तो वहां जा सकता है। मेरा स्वामी मेरे ऊपर और संसार मेरे कदमों में। गणेश, हमारे पास समय अधिक नहीं है, हमें सूर्यास्त के पूर्व श्रीकाल हस्ती में संध्या वंदन भी करना है, इसीलिए शीघ्र ही अपनी ये कथा पूर्ण करो। हाँ भ्राता, समय नहीं है, भाखन अपनी अगली चाल चल चुका है, इसलिए मुझे कथा शीघ्र समाप्त करनी होगी जिससे आप श्रीकाल हस्ती से वायु तत्व प्राप्त कर सकें और भाखन द्वारा उत्पन्न इस संकट का सफलता पूर्वक सामना कर सकें।
कहा था ना मैंने यज्ञ देव ऋषि नारद का होगा, किंतु पूर्ण आहुति हमारी होगी। शुभ अनर्थ मेरे महायज्ञ का यह परिणाम सर्वथा अनुचित है। बाघन की चाल उचित अनुचित का भेद मिटा देती है, सदा सफल ही होती है। संसार मेरे पांव तले। ऋषि, इस यज्ञ का फल तो हमें ही मिलेगा। पराक्रमी है कार्तिकेय, पर अब होगी उसकी मानसिक शक्ति की परीक्षा। ये भूकंपन कैसा था? स्वामीनाथ, अवश्य कोई संकट ही है, जिसे ढूंढकर हमें उसे मिटाना ही होगा। भाखन, तुम्हारी ये चाल सफल नहीं होगी, क्योंकि भ्राता कार्तिकेय का ध्यान अभी मैं बटने ही नहीं दूंगा। कथा सुनकर पूजा संपन्न होने और वायु शक्ति प्राप्त करने तक मैं उन्हें रोकूंगा। भाखन, मेरी योजना के अनुसार तो तुम्हें भ्राता का भक्त बनना ही है। भ्राता, आगे की कथा तो सुनिए। अभी तो थिन्ना, जो कि अर्जुन का पुनर्जन्म है, उसका थिन्ना से कनप्पा बनने की कथा शेष है। नास्तिक से आस्तिक बनते ही थिन्ना के स्वभाव में अद्भुत परिवर्तन आने लगा। वो प्रभु भक्ति में इतना लीन हो गया कि सब कुछ त्याग कर उनकी सेवा में ही जुट गया। किंतु थिन्ना को पूजा पाठ की पद्धति ज्ञात नहीं थी, अतः उसके दोनों हाथों में प्रसाद के रूप में पका हुआ पशु का मांस होने के कारण जब उसके हाथ में कोई रिक्त स्थान शेष नहीं रहा तो जलाभिषेक के लिए जल अपने मुख में भर कर वो मंदिर पहुँच गया और इसी पद्धति से प्रतिदिन प्रभु की पूजा करने लगा। इस प्रकार अब उसके मन, दृष्टि और हृदय में बस शिव थे और शिव भक्ति थी। प्रभु का नाम भी जिसे कुपित करता था, वो अब उनका परम भक्त बन गया। किंतु ये कैसी विचित्र भक्ति है इस भक्त की? शिवाय शंभु शंभु। विश्वास नहीं होता, प्रभु इसकी भक्ति को स्वीकार करेंगे?
समाप्त हो गया। प्रभु ने तो इसे छुआ भी नहीं। प्रभु लगता है कि फल आदि खाकर आपका मन भरा हुआ है। कोई बात नहीं, आपकी इच्छा, किंतु भोजन व्यर्थ नहीं होना चाहिए। तो मैं ही ये समाप्त कर देता हूं। शंभो, जय शंभो। और ये सत्य है, थिन्ना इसी प्रकार प्रतिदिन अपनी विचित्र पूजा करता रहा। जो भी आखेट करता, सर्वप्रथम नीला से पकवा कर प्रभु महादेव के लिए लेकर आता और उन्हें समर्पित करने के बाद ही स्वयं भोजन करता। किंतु एक दिवस उसने ठान लिया कि प्रभु को अपने हाथों से भोजन कराए बिना नहीं मानेगा। प्रभु, मैं इतने दिनों से आपके लिए भोजन लाता हूँ, किंतु आप उसे छूते भी नहीं, फिर बाद में दोनों मुझे ही खाने पड़ जाते हैं। प्रभु, इसलिए नहीं कि मैं लालची हूँ, बल्कि इसीलिए क्योंकि नीला कहती है कि जो चढ़ावा आपको चढ़ाया जाता है वो आपका प्रसाद होता है, और प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। किंतु अब ये मुझे स्वीकार नहीं। प्रभु, नीला इतने मन से पकाती है, मैं उसका स्वाद लेकर के देखता हूँ कि उचित है कि नहीं। यहाँ इतनी दूर आपके लिए लेकर आता हूँ और आप खाते ही नहीं। प्रभु, समझ गया प्रभु कि आप क्यों नहीं खाते। ठीक है प्रभु, आज एक भक्त अपने भगवान को अपने हाथों से खिलाएगा, और जब तक भगवान नहीं खाएंगे उसका भक्त भी भोजन ग्रहण नहीं करेगा। कीजिए प्रभु, ग्रहण कीजिए। आप आते क्यों नहीं प्रभु, और कितनी परीक्षा लेंगे मेरी। पर ये तो आपको भी पता है प्रभु कि मैं भूखा नहीं रह सकता। तो इस तरह अपने भक्त को मत सताइए प्रभु। आ जाइए प्रभु, आ जाइए, कब तक भूखा रखेंगे मुझे। प्रभु, आप भी अपने भक्त के समान हटी लगते हैं, तो करिए हट। अपने भक्त को जन जन्मांतर तक भूखा रखना चाहते हैं ना, तो रखिए प्रभु। तो मैं भी इसी प्रकार हट करूंगा, यहीं बैठा रहूंगा। प्रभु, यदि आज आपने दर्शन नहीं दिए ना, तो आपका ये भक्त अपनी प्रभु। अपने भक्त को जन जन्मांतर तक भूखा रखना चाहते हैं ना, तो रखिए प्रभु। तो मैं भी इसी प्रकार हट करूंगा, यहीं बैठा रहूंगा। प्रभु, यदि आज आपने दर्शन नहीं दिया ना, तो आपका यह भक्त अपनी प्रभु प्रभु महादेव। मुझे पता था प्रभु कि आप मेरी पुकार अवश्य सुनेंगे। आप आ गए प्रभु, आप आ गए।
प्रभु भोजन। प्रभु ने तो अपने भक्त का मन रखने के लिए सामिश भोग भी ग्रहण कर लिया। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। भक्त की भक्ति और भक्त एवं भगवान के मध्य वो दिव्य स्नेह वाले पल अद्भुत थे, किंतु वो दिव्य पल अधिक अवधि तक नहीं रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पापी, इस मंदिर में साबिश भोजन लाने का दो साहस कैसे किया तुमने? लीजिए ना प्रभु। इतना बड़ा अपराध, इसका परिणाम भुगतना होगा इसे। बाहर ले जाकर दंडित करेंगे इसे। अरे अरे छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरे देखते नहीं कि मैं प्रभु को शंभुजा को भोजन करा रहा हूँ। अरे रुक जा, अरे भूखे हैं मेरे शिव, उन्होंने अपनी डकार भी खा ली है। अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, रुक जाओ। इतनी उदंडता, दूषित किया हमारे मंदिर को, सामिश भोजन ले गए वहाँ, तो अब भुगतो उसका दंड। रुक जाओ तुम लोग, उसे छोड़ो और जाओ। उसे क्षमा कर दीजिए प्रभु, दोष उसका नहीं उसकी अज्ञानता का है। देखिए ना, पहले तो उसे आप में कोई आस्था ही नहीं थी, और जब वो हुई तो कितना विचित्र व्यवहार कर रहा है। प्रभु, उस नासमझ को मैं मंदिर में प्रवेश करने ही नहीं दूंगा। ये क्या हो रहा है यहाँ? प्रभु के नेत्रों में इतना क्रोध। भक्त हैं तो भगवान है। मेरे किसी भी सच्चे भक्त को मेरे मंदिर में प्रवेश से कोई नहीं रोक सकता। क्षमा करें प्रभु, वर्षों से आपके इस मंदिर की सेवा और आपकी विधिवत पूजा करता आ रहा हूँ, किंतु आपने उसे दर्शन दे दिए जो आपकी पूजा करना भी नहीं जानता, न मंत्र न पूजा पाठ कुछ भी नहीं जानता। प्रभु, फिर वो आपका भक्त कैसे हुआ? एक मकड़ा मेरे ऊपर चलकर, जाल जूटकर, मुझे धूप से सुरक्षित रखकर मेरा भक्त बन सकता है। एक हाथी अपनी सूंड में लाए जल से मेरा अभिषेक कर मेरा भक्त हो सकता है। एक सर्प अपने पेट से रत्न उगल कर उन्हें मुझे समर्पित कर मेरा भक्त हो सकता है, तो फिर ये मेरा भक्त क्यों नहीं हो सकता? भक्ति करने की विधि सबकी भिन्न हो सकती है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि उसकी बिस्की में खोट है। प्रभु, उन्होंने तो अपनी भक्ति का प्रमाण दिया था, कठोर परीक्षा से होकर निकले थे वो, उन्होंने अपना जीवन दांव पर लगा दिया था। प्रभु, तो अब ठिन्ना की परीक्षा का भी समय आ गया है। प्रभु ने ये वायु प्रवाह उत्पन्न क्यों किया? ये थिन्ना अब क्या कर रहा है? प्रभु,
मैं आ गया प्रभु, मैं आ गया प्रभु। तुमने लगा प्रभु कि वो लोग मुझे हाथ करेंगे तो मैं नहीं लौटूंगा, मुझे रोक नहीं सकेंगे वो। प्रभु अब मैं आपको फिर भोजन कराऊंगा और पूरा भोजन आप ही करेंगे जब तक आप डकार नहीं लेते। प्रभु आपको समझना कठिन है, जब वो लोग मुझे रोक रहे थे तब आपने उनसे कहा क्यों नहीं कि आप मेरे भोजन का आनंद ले रहे हैं। देखिए कितना हाथ किया उन्होंने मुझे। तो कोई बात नहीं प्रभु, अब मुझे दंड मिल गया है मेरे नास्तिक होने का। लीजिए प्रभु ग्रहण कीजिए। आप आ क्यों नहीं रहे प्रभु, कहीं यहां के पुजारी जी ने मेरे विरुद्ध आपसे कुछ कह तो नहीं दी? ना मंत्र ना क्रिया ना विधान, किसी का ज्ञान नहीं है मुझे। मुझे तो बस इतना ज्ञान है कि आप मेरे प्रभु हैं और मैं आपका भक्त। हमारा संबंध तो ठीक उसी प्रकार है जैसे पुष्प का सुगंध से होता है, पति का पत्नी से होता है, अटूट संबंध। जैसे मैं नीला के प्रति समर्पित हूं ठीक वैसा ही समर्पण मेरा आपके प्रति भी है या उससे भी अधिक। परंतु आप नीला को ना बताइएगा, ईर्ष्या करेगी ना। प्रभु मुझे पुजारी जी के समान पूजा पाठ का ज्ञान नहीं है परंतु सेवा का है, और मुझे पता है कि भोजन कराने से बड़ी सेवा और कोई नहीं होती है। ये लीजिए प्रभु ग्रहण कीजिए ना। प्रभु भोजन दिखा था क्या, इसलिए आपके नेत्रों में अश्रु आ गए। रुकिए प्रभु रुकिए, अभी हम ठीक कर देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु अभी उचित है ना। प्रभु ये क्या, किंतु आप चिंता ना करें, जैसे नीला मेरे अश्रु पोंछती है वैसे मैं भी आपके अश्रु पोंछ दूंगा। आपके नेत्र तो अश्रु से भरे जा रहे हैं, लगता है आपको कोई रोग हो गया है। पर मैं यहां हूं ना प्रभु, आपको चिंता की कोई बात नहीं, मुझे नीला के पिता ने सिखाया है कि कैसे जड़ी बूटी से उपचार किया जाता है। मैं शीघ्र ही लौटूंगा प्रभु और आप कुशल भी हो जाएंगे। देखा प्रभु मैं यूं गया और यूं आ गया। प्रभु प्रभु मैं आ गया प्रभु, आप चिंता ना करिए मैं अभी लेप लगा देता हूं प्रभु। आप उचित है ना प्रभु, मेरे लेप से लगता है कोई लाभ नहीं हुआ, थोड़ी और जड़ी बूटी चाहिए। अशोक औषधि है ये प्रभु, आप शीघ्र ही कुशल हो जाएंगे। प्रभु के नेत्रों में रक्त के अश्रु, रक्त, ये तो उचित नहीं, कहीं मेरे से कोई भूल तो नहीं हो गई, क्या करूं मैं? तो प्रभु प्रभु आप चिंता ना करें, यदि मैंने आपको दुख दिया है उसका निवारण भी मैं ही करूंगा। मैं अपना नेत्र ही आपको दे दूंगा।
मालिका। डमट मट मट मन्निनाद मट मरवयम चकार चंड तांडवम। अद्भुत भक्ति है इस भक्त की, तनिक भी संकोच किए बिना अपना नेत्र ही प्रभु को समर्पित कर दिया। थिन्ना की सरल भक्ति प्रभु के प्रति आस्था की पराकाष्ठा है। अच्छा हुआ प्रभु, जो कुछ भी हुआ मेरे सामने हुआ और आपको मेरे उत्तम नेत्र प्राप्त हुए जो अपने लक्ष्य से कभी नहीं चूकते। प्रभु देखिए इसे प्रभु और बताइए, उत्तम है ना? लीजिए प्रभु, अब रोग एक नेत्र में होगा तो दूसरे में तो पहुंचेगा ही ना। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है प्रभु, थिन्ना है ना, और मेरे पास दो दो नेत्र हैं प्रभु, जो श्रेष्ठ भी हैं और कुशल भी। प्रभु आप इसकी चिंता मत कीजिए कि मैं अपने दोनों नेत्र आपको देकर स्वयं कैसे देखूंगा। आप है ना प्रभु मुझे मार्ग दिखाने के लिए, किंतु आपको तो अनेकों भक्तों को देखना होता है, उनका मार्गदर्शन करना होता है, इसलिए आपके पास नेत्रों का होना और आपका देखना तो आवश्यक है। लीजिए प्रभु, ये तो मैंने भी नहीं सोचा कि मैंने अपने दोनों नेत्र विलग कर दिए तो मैं ये कहां से देखूंगा कि मैंने ये दूसरा नेत्र कहां स्थित करना है। कोई बात नहीं प्रभु, उसका भी उपाय ढूंढ लिया है मैंने। बस अंतिम बार आपके मन भर के दर्शन तो कर लूं प्रभु। अब कोई भूल नहीं होगी प्रभु। प्रभु नीला तो कहती थी कि आपका तीसरा नेत्र भी है, फिर प्रभु एक बार देख लीजिए कि वो कुशल तो है ना, क्योंकि मेरे पास तो बस एक ही नेत्र बचा है प्रभु। आपने ही तो कहा था प्रभु, और जब तुम दृष्टि से परे जो भी है उसे देखने लगोगे तो तुम्हारा भी तीसरा नेत्र जागृत हो जाएगा। तो जब आपके दर्शन प्राप्त हुए तो वो भी क्रियान्वित हो गया होगा ना प्रभु, तो फिर चिंता किस बात की, तीसरे नेत्र का उपाय भी मैं ढूंढ लूंगा प्रभु। अभी के लिए तो इसी नेत्र का महत्व है प्रभु। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। माता आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। तुम्हारी अद्भुत भक्ति से मैं बहुत प्रभावित हूँ थिन्ना, तुम्हारा सदा कल्याण हो। कहो मुझसे क्या वरदान चाहते हो? आपके दर्शन से बढ़कर और बड़ा वरदान क्या हो सकता है प्रभु। अपने नेत्र देते समय मुझे बस यही चिंता सता रही थी कि मैं आपके दर्शन नहीं कर पाऊंगा, किंतु आपके दर्शन पाकर मुझे वो सब कुछ मिल गया जिसकी मुझे इच्छा थी प्रभु। जगत पिता हूं मैं, सदैव अपनी संतानों को कुछ न कुछ अवश्य देता हूं, किंतु यहां तो आरंभ से ही तुम मुझे कुछ न कुछ देते आ रहे हो पुत्र। मुझे भक्ति दी, भोजन दिया और अपने दोनों नेत्र दे दिए मुझे, इसलिए मैं तुम्हें आशीष देता हूँ कि आज के बाद तुम्हारी गिनती मेरे महानतम भक्तों में होगी और तुम्हें कनपा पुकारा जाएगा कन्नू अर्थात नेत्र और अब्बा अर्थात जगत पिता
कनप्पा, अर्थात वो जिसने जगत पिता को नेत्र दिए। कनप्पा, जब तुम पूर्व जन्म में अर्जुन के रूप में थे तो मैंने तुम्हें सबसे बड़ा वरदान दिया था, मोक्ष। तो अब उस वरदान को सार्थक करने का समय आ गया है। किंतु प्रभु, अपने थिन्ना के बिना ये लीला कैसे जीवित रहेगी? प्रभु, पुत्री नीला, तुम कनप्पा की अर्धांगिनी हो, उसके पुण्यों के फलों पर तुम्हारा भी अधिकार है। इसलिए यदि उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी तो तुम भी मोक्ष की भागी बनोगी, क्योंकि जहां कनप्पा रहेगा वही तो उसकी नीला रहेगी। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत। भक्त कनप्पा की जय, 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 भक्त कनप्पा की जय। एक ऐसी अनुपम कथा है जिसे हमें एक भक्त और भगवान के मध्य के अद्भुत अनूठे संबंध का महत्व समझ आता है। जिस प्रकार भक्त और भगवान का संबंध अटूट होता है, उसी प्रकार पति और पत्नी का संबंध भी अटूट होता है। नीला के कारण थिन्ना के भीतर भक्ति का भाव आया और थिन्ना के भक्ति का फल नीला को भी प्राप्त हुआ। इस कथा से हमें विवाह से जुड़ा तीसरा संकल्प ज्ञात होता है, जिसमें पति और पत्नी एक दूसरे को बल, सहयोग और प्रेम देकर असहमति होने पर भी एक दूसरे के विचारों को समझकर उनके निर्णय में भागीदार बनते हैं और जीवन के प्रत्येक कर्म में सहभागिता का धर्म निभाते हुए जीवन के परम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। माँ ने कहा था शिव कथा सुनने पर ही पूजा संपन्न होगी, किंतु यहाँ तो कोई नहीं है, मैं किससे कहूँ शिव कथा सुनाने को? कहीं मेरी पूजा अधूरी रहकर किसी अनिष्ट का कारण ना बन जाए। कुछ भी क्यों ना हो जाए, जब तक आप मेरे पथ प्रदर्शक नहीं बनेंगे प्रभु, मैं भी यहां से नहीं उठूंगी और ना ही अपने व्रत को संपन्न करूंगी। मैं यहीं स्थित रहूंगी जब तक कोई आकर मुझे शिव कथा नहीं सुनाता, और उसके साथ ही पूर्ण होगा मेरा प्रथम दिन का व्रत। ओम नमः शिवाय। अनुज गणेश, हम तो कथा सुनने में इतने लीन हो गए कि प्रभु के लिए प्रसाद लाना ही भूल गए। चिंता मत कीजिए भ्राता, श्री कालहस्ती मंदिर की यही तो विशेषता है, यहाँ भक्त जो भी चढ़ाते हैं वो प्रसाद बन जाता है। यहाँ वस्तु नहीं, श्रद्धा महत्वपूर्ण है। जैसे प्रभु के भक्तों मकड़ा, गज, सर्प और कनप्पा में थी, अतः भ्राता इन बेल पत्रों से अपनी पूजा सम्पन्न कर प्रभु महादेव को प्रसन्न कीजिए और उनसे वो शक्ति प्राप्त कीजिए जिससे आप पाशुपतास्त्र प्राप्त कर सकें। क-
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामि सहितम नमामि। सम्राट सरापदमन तैयार रहिए, आप शीघ्र ही शुभ समाचार लेकर आऊंगा मैं। जब बालक कार्तिकेय श्रीकाल हस्ती से प्रथम तत्व की ऊर्जा लेने से पहले परीक्षा में असफल हो जाएगा। रूप में शत्रु का आक्रमण है, सावधान। प्रणाम प्रभु। अपने वायु अष्टमूर्ति रूप में हमें इतने दिव्य और महान दर्शन प्रदान करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। पुत्र कार्तिकेय, यहाँ तक आने के मार्ग पर तुमने भक्ति और मोक्ष को लेकर सब कुछ सीख लिया, किंतु क्या वायु तत्व का ज्ञान है तुम्हें? मैं तुम्हें वायु तत्व तभी प्रदान कर सकता हूँ जब तुम वायु भूत के ज्ञान को प्रमाणित करोगे। जिस शत्रु ने यहाँ आने का दुस्साहस किया है, हम उसे कदापि नहीं छोड़ेंगे। संसार मेरे पांव तले। संसार मेरे पांव तले। आगे बढ़ो भ्राताओं, ये मायावी शक्ति जो भी है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जय महादेव पुत्र कार्तिकेय। जय महादेव पुत्र कार्तिकेय। क्या हो रहा है? ये योद्धा हमारे अश्व को आहत कर देंगे। जो अब होगा उससे वो ही नहीं तुम भी चकित रह जाओगे। Ah!
मेरे पांव तले। ये कोई साधारण अज नहीं, कोई शक्तिशाली मायावी असुर है जिसे मुझे तब तक रोक कर रखना ही होगा जब तक प्रभु कार्तिकेय वायु ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर लेते। भ्राता, ये संपूर्ण सृष्टि, यहाँ तक कि हम सब भी पंचभूतों से ही रचित हैं, तो प्रभु के प्रश्न का उत्तर आपको कैसे देना है ये आप स्वयं विचार कीजिए। मेरे भीतर मेरा वायु रूप, प्रथम पूज्य गणेश जी, ये देव सेनापति कुमार कार्तिक करने क्या जा रहे हैं? भ्राता, उनके वायु तत्व को उनके तन से विलग कर रहे हैं, जिससे वो उसको समझकर प्रभु महादेव के प्रश्न का उत्तर दे सके। वायु की प्रकृति ही अनिश्चित है, गुण गति है, वर्ण नीला, शरीर में स्थिति नाभि, चक्र अनाहत है हृदय के निकट, और मंत्र है वायु तत्व प्राप्त करने के लिए उसके मंत्र का ज्ञान होना आवश्यक है। पुत्र, तो बताओ क्या है उसका मंत्र? वायु मंत्र क्या है? यम वायु का मूल मंत्र है यम। अति उत्तम पुत्र, अपने तन के वायु भूत का उचित विश्लेषण कर तुमने मुझे उचित उत्तर दिया और तुमने अपने वायु तत्व को क्रियाशील कर दिया। और अब मैं तुम्हें वायुभूत पर नियंत्रण का वरदान देता हूँ। मैं आगे बढ़कर इस राज को नष्ट करता हूं। जय प्रभु स्वामीनाथा। भ्राताश्री,
भगवान को। मायावी आज अभी भी जीवित है। संसार मेरे पांव तले। संसार मेरे पांव तले। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। नहीं सेनापति वीरबा, इसे यहां तक रोकने के लिए आपका धन्यवाद। अब इसका अंत मैं करूंगा। अब अलग कार्तिकेय का सर्वनाश निश्चित है। प्रभु प्रभु मेरी प्रार्थना सुनिए। किसी के मुख से आपकी कथा सुन सकूं, मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए प्रभु। माता ने कहा था जिनके लिए मैं ये व्रत रखूंगी उनका अच्छा बुरा इस व्रत से संबंधित होगा, तो मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ सकती और ना ही उनका अनिष्ट होने दे सकती। कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। बस ऐसे क्षण की तो प्रतीक्षा थी मुझे। माखन, अब तुम्हारा प्रयास सफल होगा। धर्म काज में बाधा बनने वाली प्रत्येक आसुरी शक्ति का अंत करना मेरा प्रथम धर्म है। इसीलिए आसुरी यज्ञ, अब अपने अंत के लिए सज्ज हो जाओ। क्षमा करे प्रभु। प्रणाम। प्रणाम देवर्षि। ये यज्ञ मेरे ही यज्ञ का परिणाम है। मैं तो यज्ञ कर रहा था कि कल्याण हो इस सृष्टि का, नहीं अनुमान था मुझे इस संकट की वृष्टि का। कहां कैसे ये, कहीं से तो आया ये भयानक अज और कूद पड़ा अग्नि में, ले लिया ये मायावी रूप भयंकर। मैं क्षमा याचित हूँ प्रथम पूज्य। नहीं देवर्षि, आप स्वयं को दोषी ना माने। आपको तो ज्ञात है प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य छिपा होता है, इसलिए आप चिंतित ना हो, यज्ञ का परिणाम उचित होगा। कितना भी मायावी क्यों न हो, स्वामीनाथा के समक्ष उसकी माया धरी की धरी रह जाएगी। जय हो स्वामीनाथा।
अंततः इस मायावी आज की माया का अंत हो ही गया। अभी नहीं प्रतीत होता है ये पुनः आतंक उत्पन्न करेगा। देव सेनापति को सावधान रहना होगा। संसार मेरे पांव तले, संसार मेरे पांव तले, संसार इसके पांव तले। ये अज बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रहा है? जैसे इसमें छिपी कोई पहेली हो जिसे सुलझाए बिना इसे पराजित किया ही नहीं जा सकता। आश्चर्य है, ये शक्ति संपन्न है और बुद्धि संपन्न भी। इसके योद्धा जो इतने समय में नहीं समझ सके, इस बालक ने पलक झपकते ही उसका अनुमान लगा लिया। संसार इसके पांव तले, ये बार बार दोहरा रहा है, तो इसका अर्थ तो ये है कि इसकी शक्ति, इसकी ऊर्जा, इसके जीवन का स्रोत, सब कुछ इसके पांव में ही है। इस पहेली का इतना सरल समाधान कैसे हो सकता है? उलझन में ही समाधान छिपा होता है, इसीलिए एक बार प्रयास तो अवश्य करके देखना चाहिए। और इस अंतराल में हमें इस पहेली का उचित उत्तर भी ज्ञात हो जाएगा। इसकी शक्ति तो और भी बढ़ती जा रही। तुम कितने ही अग्नि प्रहार क्यों ना कर लो, मैं नहीं रुकने वाला। भ्राता तो वायु की गति से आगे बढ़ रहे हैं। इस बालक की गति इतने तीव्र कैसे है? तुम्हारी ये अग्नि मेरा स्पर्श भी नहीं कर सकेगी। अब संसार तुम्हारे पांव के तले नहीं रहेगा। अब संसार तुम्हारे पांव के तले नहीं रहेगा। इसका प्रथम पांव तो पुनः कुशल होंगे। ये तो पूर्णतः कुशल हो रहा है। अर्थात वो नहीं था इससे पहले कि समाधान। नहीं सुलझा पाओगे बालक, कदापि नहीं सुलझा पाओगे बाखन की पहेली को। यदि पांव ही इसकी पहेली का समाधान है तो चारों पांव एक साथ विलग करूंगा, तभी कोई समाधान होगा।
बार कार्तिकेय सफल हुए, इस मायावी हज को धराशाही कर दिया। महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। नहीं, अभी भ्राता का कार्य संपन्न नहीं हुआ। भाखन को भ्राता की बाहुबल का अनुमान तो पिछली परीक्षा से ही हो गया होगा, इसलिए ये पहेली इतनी सरल नहीं हो सकती। अवश्य इसके पीछे कुछ और भी रहस्य है। रहस्य समझे बिना ही आनंदित हो गए ये मूर्ख देवता। मेरी पहेली इतनी सरल कदापि नहीं। इसके मनोबल की परीक्षा ले रहा हूँ मैं, जिसमें बुद्धि के चरम का प्रयोग करना होगा इसे, अन्यथा समाधान असंभव है। असंभव को संभव करना ही होगा। कोई भी आसुरी शक्ति हम पर भारी नहीं पड़ेगी। नारायण नारायण, इसने तो पुनः देव सेनापति पे आक्रमण कर दिया। और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय को इसका आभास भी नहीं। नहीं, ये कदापि उचित नहीं है। हे प्रभु, ये कैसा अहितकारी संकेत दिया है आपने। हे प्रभु, हे माता, आप ही मेरे इस व्रत को संपन्न करने में सहायक बनिए। आपको तो ज्ञात मैंने पूर्ण मन से प्रार्थना की है। तुम चिंता मत करो पुत्री, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। माँ, किंतु वहां तो नहीं है यहाँ पुत्री। तुम चिंता मत करो पुत्री, तुम्हारा व्रत संपन्न करने के लिए मैं तुम्हारी सहायता करूंगी और इससे कोई अनिष्ट नहीं होगा। तो इस कड़े के समक्ष इसके अग्नि का प्रभाव नहीं हो रहा है। अब मैं इसका सामना करने को पूर्ण रूप से तैयार हूं। बुद्धिमान व्यक्ति प्रत्येक समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञात होता है कि समस्या का समाधान समस्या में ही अंतर्निहित है।